मुखिया मुलायम सिंह यादव द्वारा दिए गए बयान पे उनके पार्टी के कोई भी नेता बात करने को खुल के सामने तैयार नहीं है। पर इस मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए विपक्षी दल के कांग्रेस के नेता श्री सुरेंद्र सिंह राजपूत जी मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, जो ये बयान है कहाँ कैसा लग रहा है, मतलब इसमें कहीं ना कहीं अंतर का खुल के सामने आ गई पार्टी के अंदर और जो पार्टी में जो परिवार में जो कला है वो तो खुल के आ गई सामने गया। ये सिर्फ पावर को गेन करने की पॉलिटिक्स के रूप में देखा जाना चाहिए। आपके परिवार में क्या अंतर ग्रह चल रही है इससे उत्तर प्रदेश की जनता को कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता सुशासन चाहती है, उत्तर प्रदेश की जनता बेहतर कानून व्यवस्था चाहती है, उत्तर प्रदेश की जनता विकास चाहती है, उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी सड़कें और अच्छी बिजली चाहती है। मेरे ख्याल से बेहतर होता अगर मुलायम सिंह जी इन सारी बातों पर बात करते थे। यहाँ पर परेशानी ये चल रही है कि मुलायम सिंह जी अपने परिवार के झगड़े को सुलटाने के लिए सार्वजनिक मंचों का उपयोग कर रहे हैं, जिसको भी कतई उचित नहीं कहा जा सकता। उन्होंने एक बयान ये भी दिया था कि मैं सारी चीज़ें मीडिया के सामने देता हूँ और मीडिया को छापे तो छपने से उन्हें कोई प्रयोग नहीं। वही, अब ये तो कहीं ना कहीं उनका अपना अंतर्कलह जो खुल करके अब तक कयासों में लगाई जाती थी उन्होंने सारी बातें ओपन कर दी हैं। और उन्होंने ये भी ओपन कर दिया है कि ये पार्टी समाजवादी पार्टी, एक परिवारवादी पार्टी के अलावा कोई जमात नहीं है, सिर्फ परिवार के 23 लोग इसको चलाते हैं। उनकी बातों से तो स्पष्ट रूप से यही जाहिर होता है। तो इसका असर 2017 के चुनाव पड़ेगा? निश्चित तौर पर इसका असर 2017 के चुनाव पर पड़ेगा। जिस प्रकार से शिवपाल जी ने खुल करके मोर्चा ले लिया, जिस प्रकार से मुलायम सिंह जी खुल करके बोल रहे हैं, अभी कहीं ना कहीं आज की डेट में युवा है मुख्यमंत्री, उनके सामने एक लंबा कैरियर पड़ा है, तो उनको भी सोचना पड़ेगा कि वो इन सारे मोर्चों पर क्या कहें, क्या जवाब दें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सुरेंद्र सिंह राजपूत कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता। उन्होंने बताया कि ये चीज़ जो मुद्दा उठा है ये कहीं ना कहीं 2017 में फीडबैक करेगा समाजवादी पार्टी के। लखनऊ से कैमरामैन मनोज पांडे के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ फर्स्ट।